और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ये सारा कार्यक्रम thank you.
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बंधु हम जो ये आज जो कलश लेके आए हैं, ये जो इसमें अयोध्या से भर के पूरे प्रांत वाइज पूरे देश भर में जो गांव गांव तक ये कलश पहुँच रहे हैं, और अभी ये मामला है राम मंदिर बनाया, सबको पता ही है। 22 तारीख को उसकी प्रांत प्रतिष्ठा है। सन 1528 में एक बाबर नाम का क्रांता जो इस देश में भगवान राम का मंदिर तो था ही, और उसको हमला करके और उसको ऊपर मीनारे तैयार करके उसको बाबरी मस्जिद नाम का रूप दे दिया था। तो उसको हमारा हिंदू समाज 450 वर्ष तक उसके उसका संघर्ष किया। 450 वर्ष संघर्ष करने के बाद सन 1992 6 दिसंबर 1992 को वो विजयश्री इस हिंदू समाज के हाथ लगी। हम सबको पता है कि 6 दिसंबर 1992 को वो बाबरी रूपी जो ढांचा था उसको हमारे हिंदू समाज ने, हमारे सूर्यों ने तोड़ के उसको ध्वस्त कर दिया, जलीध्वस्त कर दिया मात्र 4 घंटे में। इस प्रकार का जो काम है ये हमारे हिंदू सूर्यों ने किया 19 में। फैसला है राम जन्मभूमि का, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका ये भूमि पूजन किया था। आज वो 3 वर्ष में मंदिर तैयार होके और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये सारा कार्यक्रम रहने वाला है, और हमारे भी हम टोकी में हम घर घर एक दीपावली के रूप में उसको मनाने का ऊपर से ऐसा आग्रह है संगठन का भी, और राम जन्मभूमि के जो हमारे वहाँ लगे कार्यकर्ता उनका सख्त आदेश है कि आज 450 वर्ष के बाद ये दीपावली भगवान राम अपने अयोध्या लौट रहे, तो उसकी खुशी उसका उत्साह हम पूरे देश भर मनाए। हम 6 दिसंबर को तो दीपक द्वार कर जलाते थे, ये हम जलाते थे सारे हमारे टोकी में देखता था मैं कि पूरे पूरे गांव में कहीं कहीं दीप प्रज्वलित होते थे। ये वाक्य में एक खुशी का था, आज हमारे लिए वो सौभाग्य कि हम अपने नेत्रों से वो मंदिर वो भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। ऐसे कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, 4.5 लाख लोगों उसमें प्राण आहुति दिए। तो ये कार्यक्रम और उन्होंने उनका आग्रह कम से कम अपन प्रभात फेरी इस निमित्त चालू कर दें। हालांकि अपने यहाँ प्रभात फेरी निकलती होगी, यदि नहीं निकलती है तो कम से कम प्रभात फेरी इस राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम से कम से कम प्रतिदिन चालू हो जाए, ये संगठन का आग्रह। और दीप प्रज्वलित करें और दीपावली की तरह अपन आतिशबाजी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक संदेश जाए कि हमारा ये जो गांव है यार देखो आज हमारा गांव हमारा अयोध्या, ऐसा संकल्प हम इस ये जो कार्यक्रम हुआ है कि हमारा गांव हमारा अयोध्या ऐसा करके हमको करना है। ठीक, जय श्री राम। मुकेश और के बोलूँ भाई साहब ने बहुत सारी जानकारी तो दे दी है, इसी प्रकार की थोड़ी बहुत ये है कि अब इस अक्षत कलश में जो पीले चावल आए हैं ये एक निमंत्रण स्वरूप रहने वाला है कि ये हर घर पे निमंत्रण पहुंच जाए। इसमें अपन कुछ अपने गांव 10 गांव और आते हैं, इस गांव के 10 गांव और पहुंचने वाला है। इसी प्रकार से कलश का निर्माण होगा तो 10 गांव पहुंचाने वाले हैं, इसमें कुछ अपन अपनी तरफ से मिला के पहुँचा देंगे, और यही चावल हर घर में जाना चाहिए निमंत्रण के स्वरूप। और इस निमंत्रण का ये स्वीकार करेंगे कि हम 14 जनवरी से लाकर 22 जनवरी तक हमारे घर को मेरा गांव मेरा घर मेरी अयोध्या के रूप में इसको सजाना है, और इस प्रकार का अपने त्यौहार मनाना है। हर गांव के प्रत्येक मंदिर को सजाएंगे, जिस प्रकार से हम कोई अपनी प्राण प्रतिष्ठा के रूप में करते हैं, अपने हमने कराई अभी कुछ समय पहले, इसी प्रकार से प्रत्येक मंदिर को सजाना है, और इस प्रकार से सबको मनाना है। इसमें सभी की सहभागिता रहे और अच्छे से बड़े कार्यक्रम को सफल बनाए। ठीक, तरफ से ये भी है कि एक वाहन रैली और एक शोभा यात्रा दो पे प्रतिबंध है, ये नहीं कर सकते बाकी सब कार्यक्रम जो भी घटना कर रहे हैं, वाहन रैली और शोभा यात्रा मतलब डीजे वगैरह जो भी वो नहीं है, स्थानीय मतलब कहीं पे स्थायी अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ये है थोड़ा।
दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब सुंदर कांड पाठ करो, रामायण बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम का पाठ करो, राम धूम चलाओ, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्यक्रम रख सकते मंदिर में।